जम्मू और कश्मीर में स्थित पीर पंजाल पर्वतमाला के रहस्यमय घुड़सवारों के बारे में क्या आपने कभी सुना है? इन पहाड़ियों में गुप्त सी पड़ी है एक पूरी मूर्तियों की सेना। कोई नहीं जानता कि ये यहाँ कब से और क्यों है। चंद निवासी और यात्री इन मूर्तियों से परिचित होने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन इतिहास की परिभाषा कुछ और ही बयां करती है। प्राचीन काल से पीर पंजाल की इन पहाड़ियों में कई व्यापार मार्ग बने, जिन्हें स्थानीय भाषा में गली कहा गया। प्राकृतिक पानी के स्रोत या तालाब के पास बनी ये गलियां आज भी मौजूद है। इन्हीं गलियों में पाए जाते हैं ये रहस्यमय घुड़सवार। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्तियां इन अहम व्यापार मार्गों पर विशेष निशानियों के तौर पर बनाए गए थे, लेकिन 2017 में एक रूसी भारतीय पुरातत्वों की टीम ने जब इनकी जांच की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शहीद स्मारक है। योद्धाओं के भौतिक विशेषताओं और वेशभूषा के आधार पर ये अनुमान लगाया कि ये बैक्ट्रिया के हेप्टलाइट वंश के हैं, जिन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों में 5वीं से 7वीं सदी तक राज किया था। वाकई ये मूर्तियां आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करती है। देखने में इनके बीच समानता दिखाई देती है, लेकिन कोई भी मूर्ति एक समान नहीं है। ये असमानता ही इनकी खासियत है। शिल्पकारों ने बड़ी शिद्दत से उन पर गहने, पोशाक और घोड़ों के साज बनाए। जम्मू के कई पहाड़ियों में इन मूर्तियों के समूह पाए जाते हैं। गूल गांव के पास घोड़ा गली है, जहां सबसे ज्यादा मात्रा में ये मूर्तियां स्थित है। इस गली का नाम इन्हीं मूर्तियों की वजह से वजूद में आया। लगभग 200 मूर्तियां यहां आपको एक साथ मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1986 में सरकारी संरक्षण पाने के बावजूद आज भी इन मूर्तियों को नजरअंदाज किया जाता है। एक बोर्ड भी यहां नजर नहीं आएगा जो ये दावा कर सके कि यह एक संरक्षित स्थान है। सवाल है कि आखिर क्यों ये मूर्तियां पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की नजरों से ओझल है। किसी समय इनमें से 3 मूर्तियों को श्रीनगर के प्रताप सिंह संग्रहालय में जगह मिली, पर बाकी की मूर्तियां अभी भी अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए किसी हाथ को तलाश रही है। बस उम्मीद की जा सकती है कि हमारे इतिहास के एक अव्यक्त अध्याय की इन इकलौती निशानियों को कोई नई जान दे पाए।